हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्राइमरी हेडमास्टर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने परीक्षा स्थगित करने का कारण नहीं बताया। बीपीएससी ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर नोटिस जारी किया है। प्राइमरी हेड मास्टर भर्ती के लिए रिटेन एग्जाम 28 जुलाई को होना था। जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को स्थगित किया गया। अब यह भर्ती परीक्षा सितंबर में ली जाएगी। हालांकि इसकी तिथि निर्धारित अभी नहीं की गई है। इस एग्जाम के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों में हेड मास्टर के करीब 40,000 पदों पर जॉब दी जानी थी। अगली खबर, बिहार में 24 घंटे में बरसेंगे बदरा। 20 जुलाई से तेज बारिश के आसार। बिहार में बारिश का इंतजार 24 घंटे में खत्म हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो 20 जुलाई से प्रदेश का मौसम बदल सकता है। पटना, भागलपुर समेत 19 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई। फिलहाल प्रदेश में बारिश नहीं होने से 35 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की शुरुआत में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई, उसके बाद मानसून मानो रुक सा गया। बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी परेशानी हो रही है। कम बारिश के कारण प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। खेतों में धान के रोपण सूखने लगे हैं। अब भारतीय मौसम विभाग ने 20 जुलाई से मौसम के मिजाज में परिवर्तन आने की संभावना जताई। अगली खबर, 15 अगस्त पर सरकार देगी झंडा फहराने का फैसला। बिहार सरकार की तरफ से आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर बिहार के सभी 8,067 पंचायतों और 111,387 वार्डों में 15 अगस्त 2022 को तिरंगा फहराया जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आशय है कि देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आस्था पैदा हो और स्वतः अपने अपने घरों में झंडोत्तोलन करें। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षक नियोजन 7वां चरण के बहाली की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश के सभी सीटेट और पीटेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति ससमय जारी करने को लेकर कई अभियान भी चला रहे। ट्यूटर अभियान में लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्यूटर के माध्यम से ट्यूट कर शिक्षा विभाग से उनके द्वारा लेटर जारी कर किए बाले को याद दिलाया। शिक्षक बहाली के लिए ट्यूटर महाअभियान बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के आह्वान पर किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपंकर गौरव ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक बहाली समय पर जारी हो, इसके लिए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्यूट किया है। अगली बड़ी खबर, रसोईया संघ 25 जुलाई को करेगा बिहार विधानसभा का घेराव। रसोईया संघ की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। वहीं रसोइयों की समस्या को दूर नहीं किए जाने पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह भी बताया गया कि 25 जुलाई को पूरे बिहार के रसोईया विधानसभा का घेराव करेंगे। संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार रसोइयों के साथ नाइंसाफी कर रही है। अगर बिहार सरकार रसोइयों के 3 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा नहीं करती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कराया जाएगा। आगामी 25 जुलाई को पूरे बिहार के रसोइया एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेंगे ताकि रसोइयों के 18,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल सके और 12 महीने का वेतन अब लागू हो। अगली खबर, बिहार में 65,000 आशा कर्मी के वेतन में हो सकती है 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी। कोविड-19 संकट के दौरान कड़ी मेहनत के प्रोत्साहन के रूप में बिहार सरकार राज्य के लगभग 65,000 आशा कर्मियों के मासिक वेतन 2,000 रुपये बढ़ा सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कर्मियों को अभी कम वेतन मिलते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनकी वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी हो सकती है। अगली खबर, बिहार के हर पंचायत वार्ड में 15 अगस्त को लहराया जाएगा तिरंगा झंडा। फहराने के खर्च के रूप में मिलेंगे 1,000 रुपये। पंचायत मुख्यालय में मुखिया एवं वार्ड में वार्ड सदस्य के द्वारा ध्वजारोहित झंडा फहराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अर्घ्य तिरंगा कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इससे हमारे देश की राष्ट्रीय भावना उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में संपूर्ण जन भागीदारी के साथ स्वास्थ्य, सहकारिता, ग्रामीण विकास विभाग सहित राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली की दुकान, सभी थाना, सभी पंचायत और पंचायत समितियों, जीविका स्वयं सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस कार्यक्रम में लोग अपने घरों पर झंडोत्तोलन करेंगे। सरकार रसोइया के साथ भेदभाव की राजनीति कर रही है, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करवाएंगे तेजस्वी यादव। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद बिहार सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। युवा राजद की ओर से प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने झारखंड की राजद समर्थित हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना एवं निजी क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण लागू किए जाने के फैसले का स्वागत किया।
यूथ आरजेडी प्रवक्ता ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तर्ज पर नीतीश सरकार से पुरानी पेंशन योजना एवं निजी क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण लागू करने की मांग की। यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, वहीं निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से राज्य के वंचित पिछड़े गरीब सवर्णों को फायदा होगा। अग्निखर ग्राम कचहरी सचिव ने की मानदेय बढ़ाने की मांग। प्रखंड के ग्राम कचहरी सचिव की बैठक लोहिया चौक स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार से सेवा स्थायी करने के साथ मानदेय बढ़ोतरी की मांग सरकार से की गई। उपस्थित सचिव ने कहा कि 14 वर्षों से वो लोग ग्राम कचहरी के संचालन में महती भूमिका निभा रहे, बावजूद इस महंगाई के दौर में मात्र 6000 रुपये प्रतिमाह में परिवार का गुजारा करना पड़ रहा। बैठक में सेवा स्थायी मानदेय में बढ़ोतरी समेत 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन विभाग को देने के लिए तैयार किया गया। मौके पर अध्यक्ष फिरोज अख्तर, मनोज राम, सुरेश ठाकुर, दीपू कुमार यादव, राकेश पाठक आदि मौजूद थे। अगली खबर, 9 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना। 9 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रखंडों में वार्ड सदस्य संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का नेतृत्व वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष ने किया और इसमें मांग रखी गई कि सूबे में आए दिन बाढ़ सदस्यों पर जानलेवा हमला हो रहे और इस पर रोक लगाए। विधायक, सांसद एवं विधान परिषद की तरह बाढ़ सदस्यों को वेतन, पेंशन एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के शिलान्यास के दौरान बाढ़ सदस्यों का नाम शिलापट्ट पर अंकित करने, MP MLA फंड से होने वाले विकास कार्यों में ठेकेदारी प्रथा बंद कर बाढ़ सदस्यों की भूमिका लागू करने सहित अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन कस्बा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। अगली खबर, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू, बिहार में क्यों नहीं, युवा राजद ने रखी बड़ी मांग। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार पाठक ने झारखंड की राजद समर्थित हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना एवं निजी क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण लागू किए जाने के फैसले का स्वागत किया। यूथ RJD प्रवक्ता ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तर्ज पर नीतीश सरकार से पुरानी पेंशन योजना एवं निजी क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण लागू करने की मांग की। यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, वहीं निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से राज्य के वंचित पिछड़े गरीबों को भी फायदा होगा। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने RSS को बताया खतरनाक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फुलवारी शरीफ के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि RSS समाज और देश के लिए खतरा है। पटना के पुलिस अधिकारी ने जो कहा उसे वह बहुत पहले से कहते आ रहे। राजद का मानना है कि RSS के कारण ही समाज में नफरत फैल रही, देश में अगर संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, खुफिया को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में जहर बोया जा रहा और जो माहौल बना है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, मुद्दे पर बात हो नहीं रही, पटना में PFI के आतंकी पकड़ा रहे। इस दौरान तेजस्वी ने NDA की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का नाम लिए बिना उन्हें मूर्ति कहते हुए पूछा कि किसी ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा या फिर नहीं सुना। तो दोस्तों, बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।